जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इज़्ज़त तारिक है और मैं सर मुकीम का स्टूडेंट हूँ SPMM बैच 4 का। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही कामयाब रही, सक्सेसफुल रही सर के साथ, और क्योंकि मैं SU इंडस्ट्री में 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ों का पता भी था और मैंने बहुत सी क्लासेज मिस भी की, तो लेकिन फिर भी मेरे लिए सक्सेसफुल इसलिए रही क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ब्लॉगर्स SEO सिर्फ एडसेंस एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं और वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि दूसरी तरफ एफिलिएट है, एफिलिएट करो और वो एक एडसेंस अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है। एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कम कंटेंट में एक अच्छी अर्निंग जो है स्टार्ट हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। एफिलिएट में जहाँ अगर हम बात करें तो आपको तकरीबन 8 से 9 महीने लग जाते हैं कंटेंट रैंक करते हुए, उसके बाद आपको बैकलिंक्स और वो बहुत कुछ होता है, पूरा साल लग जाता है आपको अपनी वेबसाइट को खड़ा करने में और उससे अर्निंग निकालने में, वो भी कहीं तब जाके $100 होती है। तो ये एक अच्छी मेरे लिए जर्नी थी कि मैंने एडसेंस अप्रूवल सीखा सर से और तकरीबन 5 ट्राइज मैंने की थी, उसके बाद डेफिनेटली मैंने सर से भी हेल्प ली तो मुझे मिल गया अप्रूवल, मिल गया उस वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल मिला जिस पर 1 साल से नहीं मिल रहा था और उसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ उस वेबसाइट पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके कीवर्ड्स भी रैंकिंग में है और अब एडसन भी अप्रूव हो गया। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बिगनर हैं या एक स्ट्रगलिंग में हैं और उनको तकरीबन साल हो गया, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अगर आपको एडसन से रिलेटेड इशूज़ हैं तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना। और जो दूसरी वीडियोज़ हैं, जो दूसरे टॉपिक्स हैं, वो तो डेफिनेटली हैं ही, ऑफ पेज ऑन पेज वो तो सब कुछ होता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो यही है कि आपका मोनेटाइजेशन का मेथड। क्योंकि बहुत से कोर्सेज मैंने भी ज्वाइन किए हैं उसमें उस पहले बता देते हैं कि भाई ये मोनेटाइजेशन आपने करनी है, ये अलग चीज़ है और ये कोर्स सिर्फ SEO से रिलेटेड है। तो मोनेटाइजेशन मेरे नज़दीक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कोर्सेज में होना चाहिए ताकि जो भी ज्वाइन करे कोर्स तो उसको बाद में फ़ायदा तो हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर बिगिनर हैं और ये एक बजट फ्रेंडली कोर्स है, ये मैं बात बताना भूल गया, तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें और इंशाल्लाह भी कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़।